हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम किस प्रकार से आप दीजिएगा। जहां भी आप जाइएगा एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा और कंप्यूटर का स्क्रीन बिल्कुल आपके जो मोबाइल में इस प्रकार का स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही स्क्रीन आपको भी मिलेगा। सिस्टम लिखा होगा, सिस्टम नंबर और आपका कैंडिडेट का नाम, आपका नाम, आपका फोटो भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लॉगिन करना होता है। तो ये वाला तो पहले से ही फिलअप रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। आप कैसे दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप नंबर है जो आपका, वो पासवर्ड दे लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज द कीबोर्ड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, साइन इन पे आपको तभी क्लिक करना है जब वहां पे जो भी सर रहेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप अब साइन इन कीजिए। ठीक है, वरना आप खुद से आपको नहीं करना है, जब बोला जाएगा तब आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा जिसको आपको देख लेना अच्छी तरह से। हम अभी कुछ आपको रीड कर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल कर भी बताएंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऊपर आपको टाइम भी दिखाई देगा। ठीक है, सबमिट अपने आप हो जाएगा जब टाइम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। अगर जो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन का एक नंबर होता है वो सब आपका यहाँ पे इस कलर से इंडिकेट करेगा, किस लिए ये व्हाइट अगर जो आपका दिखा रहा है क्वेश्चन का नंबर है, तो अगर जो इसको इस व्हाइट का मतलब हुआ आपने इस क्वेश्चन को अभी तक देखा नहीं है। रेड हो गया इसका मतलब आपने इसको देख लिया है लेकिन आपने इसको आंसर नहीं दिया है। और ग्रीन दिखाएगा तो आपने इसका आंसर दे दिया है। अगर जो इस तरह का ये बैगनी रंग अगर जो दिखा रहा है इसका मतलब आपने इसको मार्क किया है फिर से देखने के लिए। इन सबका बेनिफिट भी हम आपको बताएंगे। और ये मार्क आंसर और मार्क फॉर रिव्यू किया जाता है, इसका मतलब होता है आप उसका आंसर दे चुके हैं फिर मार्क किए हैं उसका, यानी कि नंबर आपको सही होगा तो मिलेगा। ठीक है, और ये सब बटन है, इन सब कुछ ये जो आप बटन देख रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे उसी समय। ठीक है, और ये सेवन नेक्स्ट। चलिए, आप एग्जाम में देखिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम हॉल में पहले पहुंच जाइएगा। जितना जल्दी आप पहुंचिएगा आप इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से अभी जो आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे रीजनिंग है, आपका जीके है, ठीक है, मैथ है, इंग्लिश, हिंदी, इन दोनों में से कोई आपको पता ही है, हिंदी कीजिए या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है आप किस भाषा में देना चाहते हैं एग्जाम। ठीक है, तो हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखेगा नीचे में, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जब भी सर बोलेंगे तो आपको इस पे क्या करना है, आई एम जो रेडी टू बिगिन लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको भाषा चुन लेना, ठीक है, हिंदी में अगर जो आपको देना चाहते हैं तो हिंदी या तो इंग्लिश में। ठीक है, तो हमको हिंदी में देना है एग्जाम तो हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, और देखिए एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, अगर जो यहाँ पे हिंदी में आप मान लेते हैं हिंदी का पेपर दे रहे हैं, आपको लगा कि आप हिंदी में उतने अच्छे नहीं है, आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है, ये वाला यहाँ का जो पेपर हम बोल रहे हैं क्रमांक नंबर 4 और 5 का हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हिंदी का मान लेते कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो फिर आप उस सबको मिटाकर आप डायरेक्ट इंग्लिश में जा सकते हैं। चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम रेडी हो गए एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपसे बोला जाए, सर वहां पे रहेंगे, मैसेज आपके कंप्यूटर पे आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जनरल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे जीके है और यहाँ पे आपका मैथ है, यहाँ पे इंग्लिश है। आप जिसमें भी पहले जाना चाहे वहां पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, तो हम पहले ही रीजनिंग खुल गया,
तो हमें क्या लग रहा है कि रीजनिंग में मेरा टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो पहले जीके कर लेते हैं। तो चलिए जीके वाले क्वेश्चन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका जीके का क्वेश्चन आ जाएगा। आपको अगर जो लग रहा है कि मैथ पहले करेंगे तो आप मैथ वाले क्वेश्चन पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका टाइम दिखाएगा, 90 मिनट का टाइम है मेरा। अब ये टाइम धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ठीक है। आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में भी आप बदल सकते हैं किसी भी प्रश्न को, ठीक है। आप अगर जो इसको हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में कर लीजिए, ठीक है। तो हम हिंदी में ही करते हैं अभी फिलहाल के लिए। चलिए, तो इस प्रकार से आप मैथ का देख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आपको आंसर किस प्रकार से देना है। तो हम सबसे पहले आते हैं आपका जीके में, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम टिक मार दिए, ठीक है। आपको आंसर कैसे देना है हम वो बता रहे हैं, सबसे जरूरी तो वही चीज है। तो यहाँ पे हम क्या किए, टिक मार दिए पहला एक नंबर ऑप्शन का, ठीक है, पहला। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जब भी आप यहाँ पे आंसर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। ऊपर में लिखा है आपने आंसर दे दिया, ठीक है। फिर 2 नंबर का हम आंसर सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर का फिर इसी प्रकार से सिलेक्ट करते हैं, और ये फिर से हम कर दिए, देखिए तीनों का आंसर दे दिए। अब ये मेरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आपको बताते हैं। देखिए 4 नंबर ये रेड दिखा रहा है, यहाँ पे दाहिने साइड आप देखिए रेड दिखा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन को तो हम देख लिए लेकिन आंसर नहीं किए, तो इसको हम वैसे भी आगे जा सकते हैं। इसका बिना आंसर दिए ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो मेरा वो छूट गया 4 नंबर क्वेश्चन नंबर। हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके जाना है, ठीक। अब आपको लगा जैसे हम गए मैथ में, ठीक है, मैथ में आप उतना आपका वो सेव हो चुका है, तो मैथ में चले गए। तो अब ये क्या है, हमको लग रहा है कि ये भैया लेंदी है, इसको बनाने में कुछ समय लगेगा। तो हम कैसे याद कर पाएंगे 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न है जो हमको लग रहा था कि लेंदी है लेकिन बना सकते हैं टाइम मिला तो। इसके लिए हमको क्या करना होता है, मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, हम मार्क कर दिए, देखिए नीला हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, कि हम इसको मार्क किए हुए थे, ये हम कर सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका इस प्रकार से आंसर देते जाते हैं, हम आपको समझाते हैं फिर, ठीक है। मार्क क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हम मार्क किए थे इसलिए कि हम इसको समय मिलेगा तो बाद में चलकर देखेंगे। तो हम एक नंबर पे कैसे जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ये जो आपका बैगनी कलर का दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। अब इसको आप सोल्व कीजिए और इसका आंसर मार्क के फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक और यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का समझ में आ गया। नोट विजिट का मतलब तो आपको पता ही है, ये सब क्वेश्चन व्हाइट है, इसका मतलब हम अभी इसको देखे नहीं है। आंसर और मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे गए और इसका आंसर दे दिए, ठीक है। 90% हमें आशा है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको मार्क कर रहे हैं क्योंकि 10% तो डाउट में है, ठीक है। इसका आंसर दे दिए हैं, अगर जो ये सही होगा तो इसका नंबर मिलेगा, अगर जो ये गलत कर दिए हैं, अगर जो आप इसका सुधार नहीं कर पाते हैं समय रहते हुए तो क्या हुआ, मान लेते ये गलत हो गया तो आपका नंबर भी ये कट जाएगा 0.25, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आपका अगला क्वेश्चन आ गया 7 नंबर। जैसे 7 नंबर में हम क्या किए, फिर इसको मार्क कर दिए, ठीक है, हम सोल्व किए, अप्रोक्स आ रहा है इतना, तो लगा कि ये हो सकता है आंसर, चलो भैया मार्क कर देते हैं और इसका आंसर भी दे देते हैं, फिर मार्क कर देते हैं। जैसे मार्क कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर आप 8 पे चले आए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको मार्क जो किए हुए थे, अब हमें लग रहा है कि नहीं भैया 100% चलो कंफर्म हो गया, ठीक है, तो आप इसको रहने दीजिए वैसे, ठीक है, और 7 नेक्स्ट कीजिएगा उस पे जाके, उसी पे तो हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, अब हमें लग रहा है कि ये 100% सही है, तो फिर से इसको 7 नेक्स्ट कर दीजिए तो ग्रीन हो गया। तो आप फिर से दोबारा उस क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब हमको याद आया कि अरे मैथ का जो एक नंबर जो प्रश्न था ना वो हमसे गलत हो गया है। तो फिर से एक नंबर यहाँ पे आप दाहिने साइड देखिए, एक नंबर क्वेश्चन का ये जो बॉक्स दिख रहा है, एक नंबर क्वेश्चन पे क्लिक किए तो एक नंबर मेरा ये प्रश्न खुलकर आ गया।
अब हमें क्या लगा कि भैया ये तो आंसर गलत है, इसको हम बना नहीं पाएंगे, तो अब क्या करें, जब इसको बना नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे। क्लियर पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी ये टिक की है आंसर, क्लियर करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दाहिने तरफ क्या हुआ, आप इसका आंसर नहीं दिए, ये रेड हो गया। समझ में आ गया। फिर से क्वेश्चन नंबर वन पे जाते हैं, हम क्या किए, इसका देखिए आंसर हटा दिए, ठीक है। अगर जो अब इसी में चलिए समझा देते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दे दिए हैं एक नंबर पहला, ठीक है। अभी इसको सोल्व किए तो पता चल रहा है क्या, कि नहीं इसका आंसर तो तीन नंबर होना चाहिए, तीन नंबर ऑप्शन। तो तीन नंबर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और सेवन नेक्स्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए फिर यहाँ पे एक पे क्लिक करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आराम से एग्जाम दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे ही आपका पूरा टाइम खत्म होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, यहाँ पे मैथ का 25 नंबर पे डायरेक्ट क्लिक किए और ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसको सेव किए और जैसे 25 नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो मैथ था, अब देखिए ये इंग्लिश में आ गया, अब यहाँ से मेरा इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमको जाकर क्लिक करना है। अगर जो आपने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है तो आप जाइए, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे जाके देख सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से यूज में आता है, ठीक है। वो डर है आपका खत्म हो जाएगा, आप बोलिएगा हम तो कंप्यूटर चलाया नहीं है कैसे एग्जाम देंगे, तो उसका भी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आराम से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।